बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को जो है वो अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान नेवी में जो है वो आप बतौर सेलर जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन से चल रही है, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस बेरोजगारी के दौर में जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फराहम की गई है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो है वो मैट्रिक जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी इंटर भी कंप्लीट कर ली है वो स्टूडेंट्स भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो मैट्रिक आपकी 60% होनी चाहिए। वेबसाइट जहां से आपने जो है वो अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक अपलोड कर दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने कहाँ से चेक करना है उसका लिंक भी मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपने कहां से करना है उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जो है वो यहां से भी देख सकते हैं। ऐड जो है वो पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो है वो शेयर किया गया है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसमें जो है वो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, मैट्रिक साइंस के साथ आपने किया हो। एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो 17 से 21 साल है, और 5 फुट 6 इंच जो है वो आपकी जो है वो कहने के हाइट होनी चाहिए। कद आपका जो है वो कम से कम 5 फुट 6 इंच जो है वो होना चाहिए, और गैर शादीशुदा जो हजरात हैं वही सिर्फ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मुलाजमत के दौरान जो आपको सहूलियात दी जाएंगी उसमें जो है वो पुरकशिश आपको जो है वो सहूलियात हैं, सैलरी के साथ साथ मुलाजमत के दौरान खाना, रहाइश, यूनिफॉर्म जो है वो आपको मुफ्त मिलेगा, इंश्योरेंस का तहफ्फुज़ है, और आगे जो है वो आप मुख्तलिफ कोर्सेज करके आगे आप जो है वो बिरूने मुल्क भी जा सकते हैं। शादी के बाद फैमिली का रहायश अलाउंस वगैरह दिगर राहत दी जाएंगी। हवाई जहाज और रेल के सफर में जो है वो 50% आपको डिस्काउंट मिलेगी। वालदेन, बीवी और बच्चों का मिल्ट्री नेवी के हॉस्पिटल्स में जो है वो मुफ्त इलाज होगा। बच्चों के लिए बेहतरीन तलीमी सहूलियात। SSG नेवी के लिए 40% जो है वो अजाफी अलाउंस है, और रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में जो है वो मुलाजमत के मौके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 28 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक जो है वो आपने अप्लाई करना है। तमाम उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो अपनी साथ लेके आए। www.joinparknavy.gov.pk इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लिंक भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगर आप जो है वो फिजिकली तौर पे विजिट करना चाहते हैं तो जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन सिटीज में जो है वो आप मजीद मालूमात के लिए जो है वो सिलेक्शन सेंटर से भी जो है वो राबता कर सकते हैं। इनमें एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सक्कर, सवार, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, खारियां, कोयटा, ग्वादर, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद के जो है वो एरियाज शामिल हैं। तो ये तमाम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट्स आपको अक्सर शिकायत करते नजर आते हैं कि सर हमारा क्या फ्यूचर है, अगर हम जो है वो किसी BS प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं हमें कोई आगे जॉब्स मिलेंगी, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि वो मैट्रिक के बाद ही पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करें और फर्दर अपने कोर्सेज और स्टडी को भी साथ कंटिन्यू रखें, उनकी जो है वो फिर प्रमोशन भी होती रहेगी, और इनको जो है वो उनकी फैमिली को जो जॉब कर रहा होगा उसको तो सहूलियात मिलनी है, उसकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा जो है वो सहूलियात मिलती हैं। पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो है वो बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने मैट्रिक जो है वो अपना साइंस के साथ कंप्लीट कर लिया है, या जो है वो उन्होंने इंटर भी कंप्लीट कर लिया है, वो स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स लास्ट डेट से पहले पहले जो है वो लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें, क्योंकि बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और ये दोबारा जो है वो फिर एक साल के बाद ही जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।